नमस्कार, मैं हूं राहुल तिवारी और लेकर आया हूं आपके लिए चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरें। चलिए एक नजर डालते हैं ताजा हेडलाइन पर। पंचकुला में आज 26 कोरोना के नए मामले सामने आए। CBSE ने 10वीं का रिजल्ट किया घोषित, लड़कियों ने फिर मारी बाजी। भारत में जल्द ही लॉन्च होगा Jio 5G, Jio TV, Jio Glass का हुआ ऐलान। पंजाब के मंत्री पाए गए कोरोना पॉजिटिव, पूरी कैबिनेट का हो रहा है कोरोना टेस्ट। बिलासपुर में महिला सहित 2 कामगार संक्रमित, आंकड़ा 1300 के पार। पंजाब में कोरोना का तांडव जारी, 24 घंटे में 11 लोगों को अपनाया शिकार बनाया। करनाल में राइस मिलों के घपले में हुई बड़ी कार्रवाई, दिखाएंगे विस्तार से। चंडीगढ़ प्रशासन का बड़ा फैसला, राजनीतिक व अन्य दल किसी भी तरह की भीड़ नहीं जुटा पाएंगे, साथ ही कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कराने पर लगी रोक। अब खबरें विस्तार से। पंचकुला में आज ITBP के 7 जवान सहित कुल 26 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। पंचकुला सिविल सर्जन डॉक्टर जसजीत कौर ने की पुष्टि। उन्होंने बताया कि ITBP के जवान जो अपने घरों से छुट्टी के बाद वापस लौटे हैं, उन्हें क्वारंटीन में रखा गया था। उनके सैंपल कोरोना टेस्ट के लिए भेजे गए थे, उनमें से 7 जवानों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। CBSE की 10वीं बोर्ड की परीक्षा का परिणाम घोषित हो चुका है। 10वीं परीक्षा के परिणामों में पंचकुला जोन का परिणाम 94.31 रहा, जबकि चंडीगढ़ जोन का परिणाम 91.83 रहा। पंचकुला भवन विद्यालय के 5 बच्चों ने 10वीं कक्षा के परिणाम में 99 अंक हासिल किए। रिलायंस की 43वीं AGM को ऑनलाइन संबोधित करते हुए अंबानी ने कहा कि जैसे ही सरकार 5G सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम का ऐलान कर देगी, Jio 5G सेवाओं को ट्रायल के लिए शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा Jio 5G का फील्ड डिप्लॉयमेंट अगले साल से शुरू हो जाएगा। मुकेश अंबानी ने कहा कि Jio का 5G सॉल्यूशन अन्य टेलीकॉम ऑपरेटरों के लिए भी उपलब्ध होगा। पंजाब के ग्रामीण विकास और पंचायती मंत्री राजेंद्र सिंह बाजवा भी कोरोना वायरस संक्रमित पाए गए हैं। उनके कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब सरकार की पूरी कैबिनेट का कोरोना टेस्ट करवाया है। हिमाचल प्रदेश में कोरोना का आंकड़ा 1300 के पार हो गया है। प्रदेश में कुल संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 1312 हो गया है। अब के एक्टिव मामले 349 हैं। बिलासपुर में कोरोना के एक साथ 3 मामले सामने आए हैं। हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज के निर्माण कार्य में लगे 2 मजदूर भी संक्रमित पाए गए हैं। पंजाब में 24 घंटों में कोरोना से 11 लोगों को अपना शिकार बनाया है। लगातार सूबे में कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी साफ जताया है कि अगले 4 हफ्तों में पंजाब में कोरोना से हालात खराब हो सकते हैं। स्टॉक में चावल कम मिला, 16 मिलों की प्रॉपर्टी अटैक्ड, 5 की संपत्ति कुर्क होगी। इनमें 5 मिलों की संपत्ति की कुर्क की जाएगी, जबकि तरावड़ी में 1 मिल की 8 एकड़ जमीन प्रशासन ने अपने कब्जे में ले ली है। इनमें स्टॉक बहुत कम मिला है। करनाल में CMR यानी कस्टम मिलिंग राइस का चावल कम मिलने पर जिला प्रशासन मिलर्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर लौटूंगा आपके लिए देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरें लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना ना भूलें।